1983 के बाद संपूर्ण भारत के संत आचार्य, धार्मिक जगत के आचार्य और धीरे धीरे सारा समाज इससे जुड़ने लगा। तो जो विषय केवल अयोध्या तक सीमित था, वो सारे देश के सम्मान का विषय बन गया। 15 अगस्त 1947 के पहले महत्व 1857 का है, हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा। प्रारंभ में अयोध्या की जनता, पास पड़ोस की छोटी छोटी रियासतें, राजाएं, महिलाएं, संत महात्मा और लगभग ১৯৮৩ के बाद संपूर्ण भारत के संत आचार्य, धार्मिक जगत के आचार्य और धीरे धीरे सारा समाज इससे जुड़ने लगा। तो जो विषय केवल अयोध्या तक सीमित था, वो सारे देश के सम्मान का विषय बन गया। और जो कुछ साकार हो रहा है, वो भारत का सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, ऐसा मेरा विचार है। आपको क्या, जब इस स्टेज स्थिति में आज आ गया है कि आप लोगों को 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर मिल जाएगा, भगवान राम अपने मंदिर में पुनः स्थापित होंगे, कभी आपने जब स्टार्ट हुआ था ये सोचा था? कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है, आप लोगों ने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाया है, कितनी पीढ़ियां इसमें संलग्न हैं? देखो, जब प्रयास किया जाता है तो किसी विश्वास के साथ किया जाता है। मन में अगर सफलता का भरोसा ही नहीं है तो कभी काम नहीं करता। सैनिक अपना जीवन देता है तो विजय के विश्वास के कारण देता है, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, अगर ये दुविधा मन में है तो सैनिक सीमाओं पर युद्ध नहीं कर सकता। कोई पत्थर तोड़ना है, पहली चोट में नहीं टूटता है, लेकिन पत्थर पर किया जाने वाला हर एक प्रहार पत्थर के अंदर के तंतुओं को कमजोर करता है। अंत में एक हथौड़ा ऐसा पड़ता है, वो टूट जाता है। तो महत्व तो सबका है। 15 अगस्त 1947 के पहले महत्व 1857 का है, नौजवान जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, उनके हरेक के प्रयास का महत्व है। मंगल पांडे महत्वपूर्ण है, बलिया का चित्तू पांडे, उसका प्रयास महत्वपूर्ण है। पटना के भवन पर चढ़ने वाले नौजवान, झंडा फहराने की इच्छा रखने वाले नौजवान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 1947 के लोग। यदि परंपरा चलती रहती है तो सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी, यह सोच नकारात्मक सोच है।
सफलता मिलेगी, इसलिए लगातार 76-77 बार लड़ाइयाँ होती रही, मिल गई। 22 जनवरी को हम कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा पूरी दुनिया के लिए। ये जो मंदिर बन रहा है, मैं जिस कि बहुत सारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं, राम मंदिर को आप किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली आप? हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1,00,000 सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं इतिहास बनेगा, लोग आगे तक जैसे इतिहास बन गया, इतिहास तो बन गया।